मोदी सरकार की नीतियों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों में 20 जुलाई को आंदोलन करने जा रही है। इससे पहले यह आंदोलन 8 जुलाई को होने वाला था, लेकिन सीएम भूपेश बघेल की माता बिंदेश्वरी बघेल के निधन के बाद इसे टाल दिया गया था। इस आंदोलन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मिट्टी के तेल कोटे में कटौती, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, बढ़ती महंगाई, धान के समर्थन मूल्य में मात्र 3.7% की वृद्धि और दाल भात केंद्रों में छात्रावासों के चावल के कोटे में कटौती, केंद्र सरकार के छत्तीसगढ़ विरोधी, गरीबी विरोधी, किसान विरोधी फैसले के खिलाफ जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा। इस आंदोलन में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के पदाधिकारी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर शामिल होकर आंदोलन करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या इस प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करती है या फिर उन्हीं नीतियों को सुचारू रूप से संचालित करती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल, रायपुर। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर